और कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को एक नोटिस जारी किया है, मगरबी बंगाल हुकूमत से जवाब तलब किया है। इस वक्त की अहम खबर वो भी मगरबी बंगाल से, तृणमूल जिला क्लेती तृणमूल कांग्रेस में लगातार इस्तीफों का दौर देखा जा रहा है। टीएमसी लीडर कबीरुल इस्लाम ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो लगातार वहां की सियासत पर हमारी नजर है। तृणमूल जिला क्लेती सेल से कबीरुल इस्लाम ने इस्तीफा दे दिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारी साथी शबाना एजाज का। शबाना, इस वक्त की लगातार जो सियासी हलचल है उससे हम अपने नाजरीन को वाकिफ करवा रहे हैं। टीएमसी में लगातार इस्तीफों का दौरा है, क्या कुछ अपडेट अभी? बिल्कुल है ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्तीफों का दौरा शुरू हो चुका है और हर दिन जो है वो पार्टी के बड़े लीडरान पार्टी छोड़ रहे हैं, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे अभी तक उनकी तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन इशारा मिल रहा है कि ये लीडरान बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। और कल जब वजीर दाखिला अमित शाह बंगाल दौरे पर आ रहे हैं, दो रोजा दौरे पर, तो उम्मीद की जा रही है कि ये तमाम जो टीएमसी के लीडरान हैं जिन्होंने रिजाइन किया है वो अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी ममता बनर्जी के लिए कि ऐसे सिचुएशन में वो किस तरह पार्टी को लेकर आगे बढ़े, और ऐसे वक्त में जब बंगाल में असेंबली इलेक्शन होते हैं और तृणमूल कांग्रेस की ये कोशिश है कि वो तीसरी बार जो इक्तदार की जो लड़ाई है तीसरी बार उसे कामयाबी मिले, तो ये जो तीसरी बार जो इक्तदार की लड़ाई होगी असेंबली इलेक्शन के लिए वो आसान नहीं होगी। और ममता बनर्जी के सामने बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के बड़े लीडरान जो ममता बनर्जी के करीबी रहे थे, जो वजारत में जिन्हें अहम ओहदों पर रखा गया था, वो लीडरान जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जो तहरीक शुरू की थी, जो आंदोलन शुरू किया था, वो उस आंदोलन से ये लीडरान जुड़े रहे थे, ममता बनर्जी को मजबूत किया था। तो ऐसे लीडरान अगर ये जमीनी लीडरान होते हैं जिनका लोगों के साथ काफी जो है वो ताल्लुक होता है, लोगों की एक बड़ी तादाद इनके साथ होती है, तो ऐसे लीडरान अगर बीजेपी में ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ वो एक लीडर नहीं होगा बल्कि उनके साथ साथ कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो मुतासिर होंगे, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी को मजबूती देने की बात होगी। तो ऐसे में क्या पैगाम लेकर ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी, किस तरह लोगों को समझाएंगी कि उनके, और आज जो ममता बनर्जी अहम मीटिंग लेने वाली हैं उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे लगातार तमाम तर अपडेट के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मगरबी बंगाल में टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ने का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है, इस्तीफों का दौर देखा जा रहा है। अब खबर है कि टीएमसी लीडर कबीरुल इस्लाम ने भी इस्तीफा दे दिया है, तृणमूल जिला अकलीती सेल के ओहदे से कबीरुल इस्लाम ने इस्तीफा दिया है। ममता बनर्जी आज मीटिंग में क्या कुछ रवैया अपनाती है, क्या कुछ बयान देती है, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी।